हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे बची हुई छोटी छोटी कतरनों से बनने वाली जैकेट शेयर करने वाली हूँ। उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अक्सर क्या होता है, इस टाइप की छोटी छोटी कतरन हमारी बच जाती है जब हम कुर्ती सिलते हैं या ब्लाउज़ सूट या गाउन हम सिलते हैं। तो इस तरीके की कतरन को आप फेंकिए मत, उससे बहुत ही अच्छी जैकेट बन सकती है जिसे आप किसी भी गाउन या कुर्ती पर पहनेंगे तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नाप लेने के लिए सबसे पहले हम एक अपनी कुर्ती ले लेंगे नाप की। तो इससे हम लेंथ नाप लेंगे, जितनी भी हमको लेंथ चाहिए। यहाँ पर मैं 18 इंच लेंथ नाप लेती हूँ। और अब हम चेस्ट का नाप लेते हैं, 18 इंच चेस्ट है तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे क्योंकि हमें कुर्ती के ऊपर पहनना है। ये देखिए, हमने शोल्डर नाप लिए हैं, 15 इंच है तो हम 15 का आधा 7.5 होता है तो 8 इंच हम शोल्डर ले लेंगे। और ये देखिए, अब हमको इन छोटे छोटे टुकड़ों से कतरन से हमें स्क्वायर पीस काटना है। हमें 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा हमें स्क्वायर पीस काटना है। आप अपने अनुसार स्क्वायर पीस छोटे या बड़े ले सकते हैं, जैसा आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर 4 इंच लंबाई और चौड़ाई का आप लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनकर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप प्लेन कपड़े के साथ बना रहे हैं तो इसमें आप प्रिंटेड कपड़े यूज़ ना करें क्योंकि फिर डिज़ाइन उतना बेटर नहीं आएगा। इसलिए प्लेन का ही आप जैकेट बनाएं। अगर सारे कपड़े आपके पास प्रिंटेड हैं तो प्रिंटेड का जैकेट बना सकते हो। और आप इसमें ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं लेना। ये देखिए, 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़े, इसमें से हम कई सारे स्क्वायर पीस काट लेंगे ये बचे हुए कपड़ों में से। ये देखिए, मैंने कई सारे पीसेस काट लिए हैं। अब इन चौकोर पीस को हमें इस तरीके से जमाना है कि सेम कलर का स्क्वायर पीस नज़दीक ना हो, थोड़ा दूर हो, तो उससे क्या है, चेक का पैटर्न बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से इतने सारे स्क्वायर पीस मैंने काट लिए हैं और उनको आप इस तरीके से फर्श पे जमा। ये देखिए, 29 मैंने चेस्ट की चौड़ाई ली हुई है और 22 मैंने लंबाई ली हुई, क्योंकि हम इन स्क्वायर पीस को सिलेंगे तो बाद में ये छोटा हो जाएगा कपड़ा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेना है। और आगे इन स्क्वायर पीस का क्या करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये कपड़ा था, इसे डबल फोल्ड कर लिया है, इससे हम बैक पार्ट बनाएंगे। हम लेंथ इसकी नाप लेते हैं, जैकेट का बैक पार्ट हम इससे बनाएंगे। और हम इधर चेस्ट की चौड़ाई भी हम नाप लेते हैं, 10 इंच पे हम मार्क कर देते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और यहाँ पे हम शोल्डर की लंबाई ले लेंगे, यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं इस तरीके से। और अब हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, तो आर्म होल की लंबाई हम 7 इंच लेंगे, 1 इंच कम लेंगे हम इस तरीके से। देखिए, अब हम गोलाई दे देते हैं आर्म होल की। और यहाँ पे हमारा चेस्ट 10 इंच हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं ये फिटिंग के लिए। और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। हमको यहाँ से यहाँ तक कटिंग करना है, मैं कटिंग कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये जैकेट का आपको बैक पार्ट भी स्क्वायर पीस वाला बनाना है जोड़ जोड़ कर, तो आप बना सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह का इतना कपड़ा रखा था तो मैंने इसी से ही बनाया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो जाती अगर मैं बैक पार्ट भी इस तरीके से स्क्वायर पीस को जोड़ कर बनाती तो। तो इस तरीके से आप भी बैक पार्ट प्लेन रख सकते हैं, कोई भी कलर का फैब्रिक ले सकते हैं। इस अब हम नेक की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और नेक की लंबाई हम 2 इंच लेंगे। मैंने पहले 2.5 इंच ले ली थी, मुझे ज़्यादा लगी तो फिर मैंने 2 इंच ही ली। और यहाँ से गोलाई दे देते हैं और बैक नेक का भी हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं हल्की सी गोलाई देकर। और बाद में हमें बैक पार्ट को रखकर ही फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो आगे कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें स्क्वायर पीस सिलना है, और कैसे सिलना है मैं आगे आपको बताऊंगी। और स्क्वायर पीस सिलकर बैक पार्ट के ऊपर रखकर हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो छोटी छोटी कतरनें थी इनको भी हमें नहीं फेंकना है। ये देखिए, ये छोटी छोटी कतरनों से हम
जैकेट कोटी में लगाने के लिए लटकन बनाने वाले हैं। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल लटकन बन जाएंगे और ये छोटी चिंदी का भी यूज़ हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कुछ पीस ऊपर ऊपर के जोड़े हुए हैं और इस तरीके से जोड़ा है कि सेम कलर का पीस नज़दीक नहीं हो। उससे क्या होगा कि चेक पैटर्न अच्छे से बनकर आएगा। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने सिल लिए हैं और ये सारे मैंने 5 टुकड़े मैंने सिल लिए हैं इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लगा कर हमको जोड़ना है इन पीसेस को, 5 पीसेस को हमें जोड़ना है। इन पीसेस को जोड़ने के बाद हम अच्छे से प्रेस कर देंगे आगे से और पीछे से। बचे हुए कपड़े से हम सीधी सीधी कई पट्टियाँ काटेंगे जिनसे हम आर्म होल और नेक फिनिश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमारा ये है, तो इसे रख कर ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रंट से और बैक से मैंने अच्छे से प्रेस कर दी है इस कपड़े पे, तो ये अच्छा लग रहा है, ज़्यादा फूला फूला नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके रख दें और इसके ऊपर बैक पार्ट को रख दें। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। तो ये देखिए जैसा बैक पार्ट था पहले, तो आप वैसे वैसी मार्किंग कर दें। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। और ये देखिए आर्म होल की भी हम निशान लगा लेते हैं और ये अब हम 5 इंच पे निशान लगाते हैं और यहाँ से हल्का सा हम गोलाई दे देते हैं। हमें ज़्यादा गहराई वाली गोलाई नहीं देना है। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, अब हमें नीचे से भी मार्क करना है, हल्की सी गोलाई हमें नीचे से इस तरीके से देना। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियोस हैं और बचे हुए कपड़ों से कुर्ती बनाने की कई सारे आइडियाज़ हैं और वीडियोस हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपके लिए पसंद आएंगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। नेक पे हमें कुछ इस तरीके से मार्क करना है, ऊपर से लेकर 7 इंच तक हमें यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से गोलाई से हमें कट कर देना है और आर्म होल भी हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ और रील्स डालती हूँ। जो भी मैं कुर्ती या ड्रेस की मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ वो भी वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ और आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके कटिंग स्टिचिंग या ड्रेस डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब ये देखिए इस तरीके से हमें जोड़ना है, फ्रंट और बैक पार्ट को हमें अंदर से जोड़ लेना है, इस यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से हमें जोड़ लेना है। फिर उसके बाद ये जो हमने पट्टियाँ काटी हुई थी सीधी सीधी, तो उनसे हमें आर्म होल फिनिश कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको उरेब पट्टी काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कपड़ा लगता है, और आप सीधी पट्टी काटेंगे तो भी आपकी अच्छी फिनिशिंग आई है। देखिए हमें यहाँ से पट्टी को ले जाना है और गले से यहाँ तक हमें पट्टी को ले जाना है और गले को फिनिश कर देना है। और बैक पे इस तरीके से हमें फोल्ड करके यहाँ पे मशीन लगा देना है और बाद में चेस्ट की फिटिंग दे देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी ये जो हमारे पास पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, इससे हम डोरी बना सकते हैं या रेडीमेड डोरी भी हम लगा सकते हैं और इससे लटकन भी बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कोटी इस तरीके से सिल ली है। पहले मैंने ये नेक को फिनिश कर दिया था यहाँ से, और शोल्डर को जॉइंट करने के बाद यहाँ पे मैंने आर्म होल भी फिनिश कर दिया है। और ये देखिए रेडीमेड मैंने डोरी लगाई हुई है और लटकन मैंने बनाकर लगे आए हुए हैं छोटी छोटी चिंदियों का यूज़ करके। और बाद में देखिए साइड से भी सिलाई लगा दी है मैंने, फिटिंग दे दी है। आपको जितनी भी फिटिंग रखना है आप रख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसी बचे फैब्रिक से भी डोरी बनाकर आप लगा सकते हो और लटकन आप इसी तरह से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। बाद में इस तरीके से हम डोरी को बांध लेंगे कोटी पहनने के बाद, बैक से कुछ ऐसा इसका लुक आता है। फ्रेंड्स, इस कोटी को आप किसी भी कुर्ती पर पहन सकते हैं और गाउन पर पहन सकते हैं, ड्रेस पर भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी कलर की होती है तो ये किसी भी कलर की कुर्ती या गाउन के साथ ईजिली मिक्स मैच हो जाता है। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको पहना हुआ है।
देखिए फ्रेंड्स, बिना जैकेट के ये गाउन इस तरीके का कुछ इसका लुक आ रहा है, और कोटी पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा गाउन का। तो आप एक आउटफिट को दो तरीके से पहन सकते हो, इस तरीके से बचे हुए कपड़े का यूज़ करके आप कोटी जैकेट बना सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैकेट पहनने के बाद इस गाउन का लुक पूरा ही चेंज हो गया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगा है। और फ्रेंड्स, देखने के बाद लग भी नहीं रहा है कि इस जैकेट को छोटे छोटे कतरन से टुकड़ों से मिलकर बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, आप इस तरह की जैकेट बनाकर एक आप प्लेन वाइट कलर का सूट सिलाएं या फिर पटियाला या सिंपल सूट सिलाएं, उस पर इस तरीके की आप जैकेट पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मेरे पास वाइट कलर का सूट नहीं था, अगर होता तो मैं उस पर आपको पहन के दिखाती तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता। फ्रेंड्स, आप इस जैकेट को किसी भी कलर के गाउन के साथ पहन सकते हो, इजीली मिक्स मैच हो जाएगा। जैसे भी आपके पास टुकड़े पड़े हों, कतरन पड़े हों, तो उनका यूज़ करके आप ऐसी जैकेट बना सकते हो। ये देखिए, लटकन लगाने से इसका लुक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस जैकेट को मैंने ग्रीन कुर्ती पर पहना हुआ है, आप अंदर देख सकते हैं जैकेट और बिना जैकेट में कैसा लग रहा है। और इस पर मैंने मल्टी कलर की सलवार को पहना हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। इस तरीके से आप मल्टी कलर का दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास कोई प्लेन कुर्ती है, सिल्क टाइप में है या सिंपल है, तो उस पर आप इस तरीके की जैकेट कोटी पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो आप इस तरीके की जैकेट ज़रूर बनाएं अगर आपके पास छोटी छोटी कतरन है। फ्रेंड्स, आप इस जैकेट को किसी भी कलर की प्लेन कुर्ती के साथ इजीली मिक्स मैच कर सकते हो, क्योंकि इसमें मल्टी कलर हैं, तो ये किसी भी प्लेन कपड़े पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये कोटी लगने वाली है। इससे आपका लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरीके के लटकन बनाएंगे तो और भी अच्छा लुक आएगा इस कोटी का और आपका। इस कोटी को मैंने ये ब्लू कुर्ती के ऊपर भी पहना हुआ है, तो देखिए आप अंदर देख सकते हैं कोटी के साथ में और बिना कोटी के साथ में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप एक ही कुर्ती से कई सारे लुक क्रिएट कर सकती हैं जैकेट की मदद से। फ्रेंड्स, इस कोटी को, जैकेट को आप किसी भी कलर की कुर्ती के साथ पहनेंगे तो अच्छा लुक आएगा। आप चाहें तो इस कोटी में स्लीव भी लगा सकते हैं, मेरे पास कम ही कपड़ा था तो इसलिए मैंने स्लीव नहीं लगाई है। और इस तरीके से एक मल्टी कलर दुपट्टे के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका लुक आता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे न्यू वीडियो आती है कटिंग, स्टिचिंग या ड्रेस डिज़ाइन, ब्लाउज डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप ज़रूर देखिए। और मेरे चैनल पर ब्लाउज डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और ओल्ड क्लॉथ रीयूज़, ओल्ड साड़ी रीयूज़ की प्लेलिस्ट है, वो भी आप देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जैकेट आपको कौन सी वाली कुर्ती या गाउन के साथ में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।